दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मॉन्टी ल्यूका सोडियम एंड लियोसिटिजन हाइड्रोकोलाइट के बारे में, किसका इस्तेमाल कैसे होता है, कब होता है, क्या इसका यूज़ होता है, क्या साइड इफेक्ट होता है, कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉन्टी ल्यूका का जो इस्तेमाल होता है वो सांस में अगर किसी को दिक्कत है, अस्थमा की किसी को कंडीशन है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, ऐसी कंडीशन में मॉन्टी ल्यूका डॉक्टर देते हैं। अगर हम लियोसिटिजन की बात करें तो एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है। अगर किसी को एलर्जिक कफ है, एलर्जी है, बदन में खुजली है, या किसी को सांस फूल रही है एलर्जी की वजह से, तो उसमें दोनों दवाएं मिलकर के एक साथ काम करती हैं और उसकी जो पेशेंट होता है उसकी एलर्जी, खांसी, सांस फूलने की समस्या या कोई और भी ऐसी कोई दिक्कत है, नज़ला जुकाम जो भी है, वो इससे ठीक हो जाता है। ये अब हम इसके खाने का सही तरीका आपको बता देते हैं। दोस्तों, अगर आपके डॉक्टर ने आपको दिया है तो उसने आपको बताया होगा कि इसको रात में एक बार लिया जाता है, रात में सोते वक्त एक बार लिया जाता है। अब रात में इसलिए लेते हैं क्योंकि रात में सांस की जो समस्या होती है, जो भी खांसी की समस्या होती है, वो रात में बढ़ जाती है, इसलिए रात में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो पेशेंट है उसको लेने के बाद थोड़ा सा नींद आ सकती है, थोड़ा सा कमजोरी सुस्ती लग सकती है लियोसिटिजन की वजह से, तो रात में लेने से वो आराम से अच्छी नींद सो जाएगा। अब हम ये जान लेते हैं कि इसको खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने से पहले लेना है। तो रात में आप खाना खाने के बाद सोते वक्त इसको लें, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप खाली पेट भी इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको एक दो घंटा हो गया खाना खाए तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें जान लेते हैं कौन से लोग इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस मॉन्टी ल्यूका या लियोसिटिजन किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, खुद से बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अब हमें ये जान लेते हैं कि ये कितने साल के बच्चों में या कितने साल के लोगों में ये दवा चल सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें मॉन्टी ल्यूका 5 mg है और लियोसिटिजन 2.5 mg है। तो ये एडल्ट, अगर आपको किसी बड़े को लेना है तो 2 टैबलेट लेना पड़ेगा। अगर किसी कोई बच्चा 5 साल 7 साल का है तो उसको हम 1 टैबलेट डॉक्टर की सलाह के बाद दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स लॉट, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।